लोक क्षत्रिय समाज की जानिब से इतवार के रोज कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की है। इस कावड़ यात्रा का आगाज रानी अवंतीबाई मंगलहाट से हुआ और ये पुराना पुल रिंग रोड लंगारोस से गुजरकर नारसिंगी पहुंचा। गोशा महल टीआरएस कारपोरेटर मुकेश सिंह ने इस यात्रा का इस्तकबाल किया और लोक क्षत्रिय समाज के सदर सुरेंद्र सिंह की गुलपोशी और शालपोशी की। इस यात्रा में खवातीन की कसीर तादाद देखी गई। आज रानी अवंतीबाई भवन लोक भवन से ये कावड़ यात्रा निकल कर जालियानवान गांधी का स्टैचू पुराना पुल और लंगरोज से कारवां से लंगरोज होते हुए संगम के पास भी एक मंच रहेगा हमारे समाज का वहाँ पर, और वहाँ से होते हुए ये मछले से जा रहा है और बहुत ही सक्सेसफुल और सफल कावड़ यात्रा जो लोक समाज से निकली, और सभी को हम हार्दिक अभिनंदन करती है और सभी जितने भी समाज है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते। जय लोधेश्वर बम बम बोले की जय। कौन ऑर्गेनाइज करती है इसके ऑर्गेनाइजर मुनि सिंह बोल गया है और साथ ही इसका सहयोगगण अपने लोकसभा सदर पंचायत के साथ ही। तो कितने दिन का ये यात्रा रहेगी? एक ही दिन का रहेगा? ये एक ही दिन, वो तो प्रोग्राम 9 दिन से पूजा चलती है रानी अवंतीबाई भवन और लोधेश्वर भवन में, और 9 दिन पूजा चलती है और आज कहेगी कावड़ यात्रा यहाँ से रानी अवंतीबाई भवन लोज से निकलकर मजलेश्वर जाती मंदिर और संतोषी माता मंदिर जो जिंसी चौराहे में है वहाँ से लोधेश्वर भवन जो हमारे बम बम बोले की बारात निकलकर रानी अवंतीबाई में इसका विवाह भी हुआ। इस यात्रा में खास बात क्या रहती है सर? इस यात्रा में खास बात ये रहती कि सभी ये सावन का महीना रहता है और गंगा जल जो कावड़ जो निकलती है जो उसमें हरिद्वार से गंगा जल लेके अपने कंधे पे बगैर चप्पल के ये लोग वहाँ पर उपास रहते हुए एक टाइम खाना खाते हैं और सभी ये जो गंगा जल लाते हैं हरिद्वार से अपना मजलेश्वर मंदिर जाके वहाँ लिंग पे गंगा जल चढ़ाते हैं। आपके साथ कौन कौन है यहाँ पर? अब पूरा हमारा समाज है साथ में और ये कावड़ यात्रा में भी पूरा समाज है, लोक समाज है पूरा।